राजीव, आज ना सिर्फ नेताओं बल्कि पूरे देशवासियों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं और सब पूछ रहे हैं रिजल्ट क्या आने वाला है। बिल्कुल आपने सही कहा। अभी बता दें कि मैं कांग्रेस हेडक्वार्टर 24 अक्टूबर रोड में, और यहाँ देख सकते हैं कि मीडिया के तमाम जो कर्मी हैं यहाँ सब एक एक करके यहाँ पर आए हुए हैं। और कांग्रेस की ओर से इंतजाम की बात करें तो टेंट लगाया गया है, लेकिन जो कांग्रेस के अधिकारी की बात करें, प्रवक्ता की बात करें, वो अभी नहीं है। और कांग्रेस की ओर से हमें ये बताया गया है कि संभवतः 10-11 के बाद जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे, 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद कांग्रेस के नेता जो हैं इसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे, खासतौर से यहाँ पर सामने आएंगे। कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसको कम से कम जो कांग्रेस और विपक्ष जो तमाम नेता हैं उसको मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि शनिवार को जो है कांग्रेस के और इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक हुई थी और उसमें तमाम बड़े नेता पहुंचे थे, और मीटिंग के बाद ये घोषणा की गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से घोषणा की गई थी कि इंडिया ब्लॉक जो है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है 295+ यानी 295+ जो है जो सीट लाने जा रहा है उनके मुताबिक जो है विपक्षी दलों की सरकार बनने जा रही है। तो अब देखना होगा कि जो एग्जिट पोल के जो नतीजे जो आए हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, जिसको कांग्रेस कम से कम नहीं स्वीकार कर रही है, उनका ये कहना है कि गलत, ये गलत है। और ये एक मतलब कहते हैं कि मतदाताओं की बात करें या लोगों की बात करें तो एक दबाव बनाने की रणनीति है, और इस दबाव से हमें बाहर निकलना होगा। और जनता का जो एग्जिट पोल है वो उसके नतीजे आ जाएंगे। यह भी देखना होगा कि कांग्रेस जो है अपने जो कह सकते हैं कि सबसे कम सीटों पर, करीब 328 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, और 25 साल में ये पहली बार है कि नॉन गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष या अगुवाई में चुनाव लड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी बात है कि 2019 के जो चुनाव नतीजे आए थे उसमें करीब 52 सीट आए थे, और लोकसभा की बात करें तो विरोधी दल के जो अध्यक्ष का जो दर्जा जो होता है, नेता का जो दर्जा होता है, वह भी नहीं मिल पाया था। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं जो एग्जिट पोल के नतीजे की बात कर रहे हैं, कांग्रेस उन राज्यों में खास उसे खाता खोलती हुई नजर आ रही है कि जहां बीजेपी जो है क्लीन स्वीप किया था, जहां राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें जहां केवल एक सीट मिला था, कर्नाटका में भी कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर 8 बजे के बाद जो नतीजे जो निकल के सामने आएंगे, ईवीएम से नतीजे निकल के सामने आएंगे, वो क्या निकल के आते हैं। जी बिल्कुल राजीव, और इस बात पर भी नजर रहेगी कि कौन से वो राज्य होंगे जो गेम चेंजर साबित होंगे, क्योंकि यहाँ पर जहाँ एक तरफ बीजेपी जो है वो साउथ में खाता खोलने की उम्मीद जताए बैठी है, वहीं कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक जो है वो ये उम्मीद लगाए बैठा है कि कुछ ऐसे राज्य होंगे, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कर्नाटक हो, शायद वहाँ से कोई उन्हें इस तरह का आंकड़ा मिल जाए जिस तरह से राहुल गांधी 295 की बात कर रहे थे, वो मिल जाए। तो इन राज्यों पर भी राजीव खास नजर रहेगी। बिल्कुल सही कह रही है, और खासतौर से उन राज्यों में जहां बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, वहां अब तक के जो ट्रेंड जो नजर आए हैं कि वहां जो बीजेपी जो 19 पड़ती है, यानी अगर कांग्रेस और विपक्षी दलों को सरकार बनानी तो सबसे पहले उन राज्यों में बीजेपी को हराना होगा। और कम से कम फिलहाल इस बात के जो संकेत जो है कुछ इस तरह से नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि उन राज्यों में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर रही है, जो कम से कम एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, राजस्थान की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तेलंगाना की बात करें, या साउथ के कई स्टेट की बात करें, तो वहां उन राज्यों में बेहतर, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो इस तरह से कांग्रेस को ये लग रहा है, महाराष्ट्र को लेकर भी ये लग रहा है कि हम वहां बेहतर नतीजे करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये हो कि अगर कांग्रेस जो है इस बार, जो कांग्रेस के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनका ये कहना है कि कम से कम उनके मुताबिक अगर बात करें तो 100 से जो कम सीटें आएंगी, यानी 70 से 80 सीट जो है कांग्रेस के जो सूत्र जो वो अंदाजा लगा रहे हैं। तो उसके बावजूद ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के जो पिछले जो नतीजे आए थे 2019 की अगर बात करें तो 52 के मुकाबले ये कहीं ज्यादा बेहतर है। और कांग्रेस का ये कहना है कि जो लगातार जो चुनाव में जो मुद्दे उठाते रहे, चाहे महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, संविधान बचाओ की बात करें, जो लगातार इस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं कि जातिगत जनगणना की बात उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको एड्रेस किया गया। और इस चुनाव में अगर बात करें तो बीजेपी भी खासतौर से जो कांग्रेस की जो घोषणा पत्र थे उसको लेकर कांग्रेस को बार बार निशाना साधती रही है, चाहे मुसलमानों को लेकर आरक्षण की बात हो, चाहे मंगलसूत्र की बात हो, तो कई इस तरह की चीजों का। जी हमारे सहयोगी राजीव रंजन कांग्रेस मुख्यालय से हमें जानकारी दे रहे हैं, और हम चलते हैं अब सीधे मध्य प्रदेश, जहां पर भोपाल में हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी मौजूद हैं। अनुराग, 29 में से 29 सीटों का टारगेट यहां पर बीजेपी ने रखा हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने भी कोशिश तो की है अनुराग, यहां पर कम से कम 4 से 5 सीटों की उम्मीद कांग्रेस लगाए बैठी है।
बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मैं राजीव भाई को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में शायद उनके लिए कुछ सुखद स्थिति कांग्रेस के लिए बन सकती है, लेकिन मैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में हूँ। खैर, हमारे अलावा कोई नहीं आदिति, लेकिन जिस तरह की तैयारियां हैं बीजेपी की, यहाँ देखिए सामने मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन रिजवान भाई से कहूंगा आपको स्क्रीन दिखाएं, एक बड़ी सी स्क्रीन लगा रखी है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं। वैसे पिछली दफा भी 28 सीटें जीत गई थी 29 में से। और अब देखिए इस तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, और यहाँ एक इन्होंने दीवार जैसी बना रखी है, और इस दीवार में मेरे सहयोगी रिजवान आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसका चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, फिर चाहे उज्ज्वला योजना हो या जल जीवन मिशन हो, तो ये पूरी दीवार आपको एक तरह से दिखेगी। अदिति, इस दीवार में आपको अलग अलग तस्वीरें हैं अलग अलग योजनाओं की। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी मेरे साथ थोड़ा आगे बढ़ें, कई बार ये होता है कि वो सुन नहीं पाते। और सामने देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग तस्वीरें यहाँ भी उन्होंने लगा रखी हैं। फिर चाहे वो अयोध्या में श्री राम की पूजा करते हों, चाहे ध्यान में बैठे हुए हों, फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष और डॉक्टर मोहन यादव, तो ये तमाम तैयारियां हैं मध्य प्रदेश बीजेपी की। ये और बात है कि अभी सुबह 6 बजे का वक्त है और कोई भी पार्टी दफ्तर में आया नहीं है सिवाय हमारे, और हम ही यहाँ से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये जानकारी दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी का हर नेता कह रहा है कि इस बार छिंदवाड़ा का किला भी ढहा दिया जाएगा और 29 में से 29 सीटें जीतेंगे। जीते कितने हैं ये तो अभी थोड़ी देर बाद जब ईवीएम खुलेंगे तो पता लगेगा, लेकिन बहरहाल जो पार्टी मुख्यालय है भोपाल में बीजेपी का, वो पूरी तरह से सज धज के तैयार है। बिल्कुल। और अनुराग, वहाँ पर मध्य प्रदेश की जो सीटें हैं वो किस तरह से गेम चेंजर साबित हो जाते हैं लोकसभा चुनाव में? देखिए, मध्य प्रदेश की मैं 29 सीटें हैं और हमारे पड़ोसी छत्तीसगढ़ में जो अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था वहाँ 11 सीटें हैं। इतिहास गवाह है कि जब से छत्तीसगढ़ बना है वहाँ पर 11 में से अगर कांग्रेस सत्ता में भी रही है तो 2 से ज़्यादा सीटें जीत नहीं पाई हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर सीटें मिला लें तो लगभग 40 सीटें हो जाती हैं। और ये एक तरह से अगर जैसे पिछली दफ़े 2019 में बीजेपी ने यहाँ 28 और वहाँ 9 सीटें जीत ली थी, माफ़ कीजिएगा 9 से शायद एक कम थी, तो एक बड़ा जो सांसदों का उनको मिल जाता है जिससे आगे की राह आसान होती है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करने से दिल्ली में भी बीजेपी की ताकत मजबूत होगी। बिल्कुल अनुराग, आपके पास आते रहेंगे। सुबह सुबह आपने तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन देखते हैं कि अगर एग्जिट पोल सही साबित होता है तो कुछ ही देर में यहाँ पर भीड़ जो है वो भी बढ़ने लग जाएगी। हम अब रुक कर रहे हैं दिल्ली में बीजेपी दफ्तर का, हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला वहाँ पर मौजूद है। रवीश, गुड मॉर्निंग, क्या स्थिति वहाँ पर नजर आ रही है? धड़कनें बढ़ी हुई हैं या कॉन्फिडेंट है यहाँ पर पार्टी? नहीं, देखिए एग्जिट पोल के जिस तरीके से अदिति सर्वे आए हैं उससे बीजेपी एकदम आत्मविश्वास से भरी हुई है, और यही वजह है कि मैं सुबह का अगर बीजेपी के हेड ऑफिस का आपको दृश्य दिखाऊं तो यहाँ पर पूरी तरीके से ये तैयार है और केबिन यहाँ पर बीजेपी के बने हुए हैं। कई सारे प्रवक्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अलग अलग टीवी चैनल पर बीजेपी का प्रतिनिधित्व करेंगे, और ये आप देखिए खाने पीने का जो चीज़ें हैं वो भी बनना शुरू हो गई हैं। हालांकि हर चुनाव में बीजेपी में ऐसा ही माहौल रहता है, चुनाव को बीजेपी जो है वो बहुत गंभीरता से लेती है। यही वजह देखा कि आपने, कल भी हमने देखा कि जेपी नड्डा के घर पर तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा बैठक चली, और उस बैठक के बाद जब विनोद तावड़े जो कि महामंत्री जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि जश्न की नहीं बल्कि आज के जो काउंटिंग है उसमें उसके एजेंट कहां पर लगेंगे, कैसी तैयारी है उसको लेकर चर्चा है। यानी पहले चुनाव, फिर मतगणना की तैयारी, फिर अगर रिजल्ट उसके नतीजे आ जाते हैं और बीजेपी के अनुकूल रहता है तो फिर एक दूसरे चुनाव की तैयारी। हमेशा आप देखिए कि बीजेपी चुनावी तैयारी के मोड में रहती है। दूसरी साइड में आपको अगर दिखाऊं तो ये आप देखिए कि यहाँ जो बीजेपी का बाहरी जो ये गैलरी है, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये लगाया गया है टेंट, और यहाँ पर कई सारे केबिन बनाए गए हैं अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के, और इसी केबिन के अंदर जो है वो बीजेपी के प्रवक्ता बैठ रहे हैं, और बीजेपी का जो है वो यहाँ से जो आवाज़ है वो बीजेपी के लिए दे रहे हैं वो। लेकिन हेड ऑफिस की अगर बात करें तो ये बीजेपी का जो मुख्यालय है यही मुख्यालय है जहाँ से सारी राजनीतिक सरगर्मियाँ जो बीजेपी की हैं वो पूरे देश भर में संचालित होती हैं। यहाँ पर जेपी नड्डा बैठते हैं, अलग अलग जो पदाधिकारी हैं, शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ पर बैठता है, तो गहमा गहमी बहुत है, बीजेपी कॉन्फिडेंट है। और इस बार खास बात ये रहा कि बीजेपी ने अपनी जो रणनीति है उसमें फेरबदल किया,
यानी चुनाव की घोषणा होने से पहले ही उसने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। और हम देखते आए कि बीते 3 महीने से लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है और एक बहुत बड़ी जो मशीनरी है चुनाव की, जो बीजेपी ने कार्यकर्ताओं के तौर पर खड़ी कर दी है, यही वजह है कि जो विरोधी पार्टियां हैं उनके लिए एक बड़ी एक चुनौती सियासी रहती है कि किस तरीके से वो, चलिए नैरेटिव तो ठीक है लेकिन जो ग्राउंड वर्कर है वो बीजेपी का जो सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है और उसको सक्रिय करने वाला जो शीर्ष नेतृत्व है वो इसी बीजेपी के हेड ऑफिस में बैठता है। तो सर्वे के बाद में बीजेपी एकदम आत्मविश्वास से भरी और बीजेपी का ये कहना है कि इस बार मिशन साउथ जो उसने चलाया है उसके तहत केरला और तमिलनाडु को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे राज्यों में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा।